डीला जी नेताजी रेलिवेंट रहेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है पर नेताजी आज हमारे लिए क्या है और इतिहास में नेताजी क्या थे मुझे तो बड़ी शिकायत होती है कि मेरी स्कूल की किताब में केवल एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था कि वो कब जन्मे और उनकी मृत्यु कब हुई वहाँ तो कोई संशय भी नहीं इस बात पर था कि क्या कहाँ तक वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए गए कैसे उन्होंने एक सेना खड़ी कर दी ये चीज़ें मुझे नहीं पढ़ाई गई थी स्कूल में मैं क्यों नहीं इस बात से नाराज रहूं कि एक भारतीय को एक इतने बड़े व्यक्ति के बारे में जिसका योगदान ऐसा था उसके बारे में बताया नहीं गया श्वेता जी आज मैं यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ प्रोफेशनली मैं एक ब्रांड एडवाइजर हूं लेकिन मैं खुद को सबसे पहले नेताजी परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ मैं खुद को नेताजी परिवार का एक हिस्सा मानता हूँ क्योंकि मेरा मानना है नेताजी का परिवार उससे जेनेटिकली जुड़े हुए कुछ लोग सिर्फ नहीं आए नेताजी का परिवार पूरा हिंदुस्तान है नेताजी का परिवार पूरा हिंदुस्तान है इसीलिए एक से बाद एक सरकार नेताजी को भुला देने का कोशिश किया आजाद हिंद फौज को जो सेनानी थे उसको एक भी सेनानी को इंडियन आर्मी में लिया नहीं गया पाकिस्तान आर्मी में उसका जगह हुआ इंडियन आर्मी में जगह नहीं हुआ इंडिया गवर्नमेंट का नोटिस था नेताजी का फोटो कहीं पे लगेगा नहीं फिर भी लोगों को दिल से नेताजी को हटाया नहीं गया इसीलिए आज जब इंडिया गेट में जहां किंग जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू था वहां पे नेताजी का स्टैचू होता है कर्तव्य पथ अंत में तब वो स्टैचू का इनागोरेशन जब हमारा प्रधानमंत्री करते हैं तब विक्ट्री वो आम जनता नेताजी प्रेमी परिवार के लोगों का है आज जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का प्रेरणा उसे सुभाष चंद्र बोस से मिल रहा है और आज जब मैं पढ़ रहा था ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ऋषि शौनक बोल रहा था आजीव काली बोला टू तक इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा तब

रियलिटी यही है इंडिया 1947 में क्या था चाइना कहाँ था और इंडिया का आज कहाँ है इंडिया का जी कितना है 3.5 बिलियन हम बोल रहे हैं बिलियन में पहुंचेंगे चाइना है ट्रिलियन 18 18 कैसे हो रहा है चाइना और इंडिया तो एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था क्यों हम चाइना जो कर सका वो हम कर नहीं सके ये प्रश्न पूछना है और एक बात स्वाद्या जी नेताजी का विरासत क्या है अगर मैं आप मुझे पूछे So, मुझे बोलना पड़ेगा नेताजी का विरासत है राष्ट्रवाद आज राष्ट्रवाद सबसे बहुत लोगों के इतराज है मुझे बोलते है, बहुत खुशी हो रहा है नेताजी बोला था नेशनलिज्म इज़ इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ द हाईएस्ट आइडियल्स ऑफ ह्यूमन रेस सत्यम शिवम सुंदरम नेताजी शिव के बात करते हैं नेशनलिज्म लेके और हम क्या बोलते हैं नेताजी चाहते थे धर्म और राजनीति अलग रहे अरे राजनीति तो राजा का नीति है और राजा का नीति धर्म के बिना कैसे होगा राज धर्म कैसे धर्म के बिना होगा राज धर्म कभी धर्म के बिना हो सकता है नेताजी को सिर्फ भुलाने का कोशिश नहीं किया गया भारत में नेताजी का आइडियोलॉजी को भी डिस्टॉट किया गया इंडिया का सेकुलरिज्म बहुत अच्छा सेकुलर स्टेट है हम लेकिन एक सेकुलर स्टेट में क्या होना चाहिए हर नागरिक के लिए क्या यहाँ रिलीजन बेस्ट पर्सनल लॉ है वो कैसे है किस तरह का सेकुलरिज्म है हमारा यहाँ किस तरह का प्रोग्रेस किया हमारा देश एक कमियों से हमें नेताजी का जरूरत महसूस होता है आज हर पॉलिटिकल पार्टी इसलिए नेताजी का कमियां महसूस कर रहा है और मजबूर हो रहा है नेताजी के रास्ते में चलने के.